अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियां भरपूर अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आपने अपने घर वालों की उनके काम में भरपूर अच्छे तरीके से मदद भी करवानी है और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी कोई हर्ज नहीं आने देना। जैसे कि हमने इंग्लिश का डे वन का समर टास्क कल कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमने इंग्लिश का समर टास्क का डे सेकेंड के काम का आगाज़ करना है। तो काम शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, तर्जमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेकेंड डे का टास्क। तो पेज नंबर 13 पे है आपकी ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी में वर्ड हैं टू स्टेप इन, अपोलोजाइज, एकोमोडेट, हार्श, शेल्टर, शिवरिंग, टेरिबल, हेजिटेशन। तो बेटा, जब आपने ये नोटबुक पे ग्लॉसरी राइट करनी है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइन ड्रा करनी है, मार्कर का अच्छे से इस्तेमाल करना है, इंक पेन के अलावा आपने बॉल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना है। इसके साथ साथ इंग्लिश के डे सेकेंड में पेज नंबर 17 पे आपका है, आपकी थी रीडमी का पैराग्राफ, रीडमी का बॉक्स, जिसमें है एंटोनिम की डिफाइन। एंटोनिम की डिफाइन राइट करनी है आपने प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, और इसके साथ साथ जो आपके ये एग्जांपल्स हैं ये भी आपने अच्छे से याद करनी, अच्छे से याद भी करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या टास्क है। नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 18 पर सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन की डिफाइन। जैसे कि बेटा, आपको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, लेकिन जब कोई नाउन सिंगुलैरिटी या प्लुरैलिटी शो करवा रहा हो तो वो सिंगुलर नाउन या प्लुरल नाउन कंसिडर किया जाता है। तो आपने डिफाइन अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखनी है, और डिफाइन लिखते हुए आपने ये रिमेंबर की हेडिंग नहीं देनी, आपने क्वेश्चन बना के लिखना है कि डिफाइन सिंगुलर नाउन, डिफाइन प्लुरल नाउन, और इसके साथ साथ इसकी टू एग्जांपल्स भी लिखनी है। ये तमाम काम आपको क्लास में प्रॉपर तरीके से करवाया गया है। इसी तरह आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है और नीट एंड क्लीन लिखना है, मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की भरपूर अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप आज का काम साफ सुथरा लिखने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखना है, गर्मी से बचना है। फ़ी मानिल्लाह।